सत श्री अकाल एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर जसपाल सिंह। ठंड के समय सबसे कॉमन होने वाली जो बीमारी है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये ज़्यादातर सूखी त्वचा की वजह से होने वाली एलर्जी है, जिसकी वजह से बॉडी में रैशेस डेवलप हो सकते हैं। इससे बचने के कुछ उपाय जो कि आप करेंगे तो आपकी जो एटोपिक डर्मेटाइटिस की एलर्जी है कम आपके शरीर में आएगी। पहला, अपने स्नान या शावर लेने का जो समय है उसको कम कीजिए। लगभग 5 से 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ। और गर्म पानी के बजाय हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें। स्नान के लिए हल्के गंध रहित क्लेंजर का ही इस्तेमाल करें। स्नान के बाद एक नरम तौलिए का उपयोग करें और त्वचा को धीरे धीरे थपथपा कर सुखाएं। स्नान करने के बाद 3 मिनट के भीतर ही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और प्रोबायोटिक जैसे दही इत्यादि इन चीज़ का सेवन करें। और फल और सब्जी जिनमें फ्लेविनॉइड्स ज़्यादा होता है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आप करें ताकि आप एटोपिक डर्मेटाइटिस से इस ठंड में बच सकें।